वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपावली के दिन आपको किन किन जगह पर दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, दीपावली की रात को कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर दीपावली के दिन अवश्य ही दीपक लगाने चाहिए। इन स्थानों पर दीपक लगाने से माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दीपावली की रात को आपको कहां कहां दीपक अवश्य ही लगाने चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए आपको दीपावली की रात को घर की चौखट पर 5 दीपक अवश्य लगाने चाहिए। कम से कम 5 दीपक घर की चौखट पर आपको अवश्य ही लगाने चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिदिन ही संध्या काल के समय एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करके आना चाहिए, परंतु यदि आप रोजाना दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो दीपावली के दिन कम से कम 3 दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य ही जलाकर आना चाहिए। और दोस्तों, दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर आपको सीधे अपने घर आना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। और दोस्तों, घर में पूजा स्थल पर दीपक अवश्य ही जलाएं और घर के पूजा स्थल पर जो दीपक आप जलाएं वह ऐसा जलाएं कि कम से कम वह पूरी रात जलता रहे, बंद ना हो। तो एक आप बड़ा दीपक लीजिए और उसमें एक बड़ी बत्ती लगाकर आप उसमें पर्याप्त मात्रा में गाय का घी डाल दीजिए ताकि वह पूरी रात जलता रहे। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल पर पूरी रात दीपक जलाए जाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होता है। और दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के चौखट के दोनों ओर दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। इसके अलावा घर के आसपास में जो सबसे पहला चौराहा पड़ता है, एक दाईं दिशा में और एक बाईं दिशा में जो चौराहे पड़ते हैं आपके घर की दाईं ओर और बाईं ओर, उन चौराहों पर आपको दीपावली की रात दीपक अवश्य ही जलाकर आना चाहिए। और चौराहे पर जो दीपक आप जलाएं वह 4 मुंह का यानी 4 बत्ती का होना चाहिए। 2 बत्ती लीजिए, उसको क्रॉस में आप रख दीजिए तो 4 बत्ती हो जाएगी, 4 मुंह हो जाएंगे उसके। तो 4 मुंह का दीपक चौराहे पर दाएं और बाएं अवश्य ही आपको जलाकर आना चाहिए। यह आपके घर की पूरे वर्ष सुरक्षा करता है नकारात्मक शक्तियों से। दीपावली की रात को किए गए इस टोटके से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास जो भी मंदिर हो दीपावली के दिन वहाँ आपको अवश्य ही दीपक जलाकर आना चाहिए। अब यदि आपके घर के आसपास एक से अधिक मंदिर हैं तो आपको चाहिए कि सभी मंदिरों में आप एक एक दीपक अवश्य ही जलाकर आएं। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और यदि संभव हो तो दीपावली की रात शमशान में या किसी सुनसान में स्थित मंदिर में, जहां ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हों, ऐसे मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करके आना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपके घर में बड़ा हॉल है तो आपको घर के आंगन में जो आपका मुख्य हॉल है या चौक है, जो भी आप बोलते हो, मुख्य आंगन में आपको आंगन के बीचों बीच एक दीपक अवश्य ही पूरी रात के लिए जलता रहे ऐसा लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में दीपक जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही आती है। इसके अलावा आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में आपको एक दीपक अवश्य ही रखना चाहिए। और यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको चाहिए कि दीपावली से पहले ही आप एक तुलसी का पौधा अवश्य ही आपके घर में लेकर आएं। तो दोस्तों, ये कुछ स्थान थे जहां दीपावली की रात को दीपक प्रज्वलित करने से
माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता अवश्य ही मिलती है, तो आप करके देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।